नमस्कार, मिंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा के नईगढ़ी के कुशहा गांव की एक घटना सामने आई है, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज के बाद एक युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि युवक को हल्की चोट आई थी, जिसके बाद गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर वकील अहमद सिद्दीकी ने युवक का इलाज किया, उसके बाद युवक की मौत होना बताया जा रहा है। आपको बता दें, मृतक कमलेश जायसवाल को हाथ में हल्की चोट लगी थी, जिसकी पट्टी कराने डॉक्टर वकील अहमद सिद्दीकी के पास ले गए थे। यहाँ इलाज के बाद युवक की मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि युवक को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ हल्की चोट थी, जिसकी पट्टी कराने डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया था। वहीं परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया था और बॉटल चढ़ाया था, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर होती गई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने 2 से 3 घंटे पहले ही उसकी मौत होने की पुष्टि की है। मेरा नाम है टीपी पांडे। क्या घटना हुई है और कहाँ की है? जायसवाल बाद ये घटना ग्राम कुफहा थाना नईगढ़ी के अंतर्गत हुई है। कमलेश जायसवाल के हाथ में हल्की सी चोट लगी थी, जिसका पट्टी करवाने के लिए गांव के ही ग्राम कुफहा में ही डॉक्टर वकील अहमद के घर में पट्टी करवाने के लिए गया था। अब वहाँ पर जब गया, घर से स्वस्थ होकर गया था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई चोट नहीं थी, हल्की उंगली में चोट लगी थी, उसका पट्टी करवाने के बल गया था डॉक्टर साहब के घर में। डॉक्टर साहब घर में क्या इलाज किए, क्या नहीं इलाज किए, इसकी अच्छा जो उसके माता के द्वारा जानकारी दी गई है, तो डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन के उपरांत बॉटल चढ़ाया और उसी दौरान उसकी तबीयत अचानक खराब हुई, अत्यंत गंभीर हो गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उसके भी बादल चढ़ा था। बाद में परिजनों को जानकारी हुई, परिजन गए गांव के, एक राजकुमार पांडे जी हैं जिनके पास मार्शल मैक्स गाड़ी है, वो डॉक्टर के घर गए और उस डेड बॉडी को ले ला करके इसके कमलेश जायसवाल के घर में छोड़ा। बाद में कमलेश जायसवाल के परिजन जो है और अन्य रिश्तेदार डेड बॉडी को लेकर के जिला चिकित्सालय संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा लेके आए, जहां पे पर्ची कटवा करके 7 नंबर आकस्मिक चिकित्सालय में दिखाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने देखने के बाद, जांच करने के बाद, उसे 2-3 घंटे पहले मृत होना बताया। कहे का डॉक्टर है? डॉक्टर किसी का नहीं, गांव में ऐसे झोला छाप डॉक्टर है, गांव में ऐसे इलाज करते हैं। इलाज से युवक की मौत हुई है, क्या? हाँ, ये संज्ञान में आया है, वास्तव में न्यूज से भी पता लगा है। इसका लिखित और डिटेल तो अभी नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पता लगा कि एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया था, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उसकी जानकारी पूरी डिटेल मिल जाए, इसके बाद उसमें छानबीन की कार्रवाइयां होगी। तो क्या कारण है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार झोला छाप डॉक्टर पहुंचते हैं? एक्चुअली इसमें क्या है कि हमारी टीम जाती है तो अक्सर ये पाया गया है कि इनको पब्लिक भी प्रोटेक्ट करती है, पब्लिक सहयोग करती है। वास्तव में पब्लिक ये करती है, कहती नहीं नहीं रहन दीजिए, तो पब्लिक के प्रतिरोध के कारण भी कई बार हम लोगों को थोड़ा सा नाजुक पड़ना पड़ता है, नॉर्मल होना पड़ता है। बहरहाल कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आप जब भी टाइम मिलता जाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। नहीं, बीच बीच में कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा शिकायत आ रही है। गाँव में जो थोड़े हमारे रिमोट एरिया गांव में है, वह झोला छाप डॉक्टर कुछ पनप रहे हैं ज़्यादा। इन पे भी नज़र है हमारी, देखिए जैसे टाइम लगेगा इनको बंद किया जाएगा।